विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों की अवहेलना करना मध्य प्रदेश के 18 विश्वविद्यालयों को भारी पड़ गया। मध्य प्रदेश के 18 विश्वविद्यालयों को यूजीसी द्वारा डिफॉल्टर घोषित करने पर छतरपुर में भी हड़कंप की स्थिति है। बता दें कि महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय को भी यूजीसी ने लोकपाल की नियुक्ति नहीं होने पर डिफॉल्टर घोषित कर दिया है, लेकिन विश्वविद्यालय के कुल सचिव का कहना है कि यूजीसी के आदेश पर पिछले साल सितंबर महीने में ही लोकपाल नियुक्त कर दिया गया था, जिसकी जानकारी यूजीसी को भेज दी गई थी। वहीं उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से यूनिवर्सिटी के छात्रों के भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रशासन लोकपाल नियुक्त कर चुका है। छतरपुर से संवाददाता मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। देखिए, यूजीसी द्वारा विद्यार्थियों के जो ग्रीवियंसेस हैं उनके निराकरण करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। उसके तहत विश्वविद्यालय स्तर पर एक कमेटी बनाना था और उसके बाद में लोकपाल की नियुक्ति करना था। विश्वविद्यालय द्वारा यूजीसी के निर्देश अनुसार और मध्य प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार माह सितंबर में के पूर्व ही प्रोफेसर KV पंडा को लोकपाल नियुक्त कर लिया गया है। इसकी जानकारी शासन को भेज दी गई। विश्वविद्यालय में लोकपाल के रूप में प्रोफेसर KV पंडा का नामांकन किया जा